ये बताएगा, क्योंकि तहरीके अदम एतमाद अब बरकरार रहेगी तो क्या उस पर वोटिंग के लिए 9 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ह डायरेक्शन दे दी गई है कि अब हफ्ते वाले दिन सुबह 10 बजे इजलास बुलाया जाएगा। अब एक प्रॉपर वो प्रोसीजर जो इससे पहले अडॉप्ट किया जाना था, 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे जो इजलास बुलाया गया था और जो वहां पर अडॉप्ट नहीं किया गया था और उसको इलीगली गैर कानूनी तरीके के साथ खत्म कर दिया गया था, स्पीकर ने गैर कानूनी रूलिंग दी थी, आज हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, 5 जजेज ने मुतफिक तौर पर फैसला दिया है कि उसको बहाल किया जाएगा। तमाम रूलिंग, जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से दी गई थी, वो खत्म की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह हुक्म दिया गया है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे इजलास बुलाया जाए। दोबारा से इसी कलम इसी अदम एतमाद की जो एक पिटिशन दाखिल की गई थी वहां पर, इसे दोबारा से